आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन से माननीय शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और मुझे पंचायत ग्रामीण मंत्रालय का प्रभार सौंपा था, उस दिन से लेकर आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल में और आत्मा में अगर कोई सबसे ज्यादा बसता है तो स्वयं सहायता समूह की हमारी माता बहनें बसती हैं। और आज इस मंच से कहते हुए मुझे गर्व है कि करीब करीब हमारे मध्य प्रदेश में 4 लाख स्वयं सहायता समूह है जिसकी सदस्य संख्या करीब 38 लाख के आसपास है और हमारा लक्ष्य है कि विगत वर्षों में 1 करोड़ स्वयं सहायता समूह मध्य प्रदेश में बनाए जिससे हमारी माता बहनों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उस सपने को पूरा करने के लिए हमारा विभाग पूर्ण रूप से कटिबद्ध है और पूर्ण एक एक अधिकारी एक एक कर्मचारी इस सपने को पूर्ण करने में लगा हुआ है। मेरे साथियों, आज अभी तक हमारे इस वर्ष में करीब 2400 करोड़ रुपए का बैंक लिंकेज हम स्वयं सहायता समूह को दिला सके और आने वाले वर्षों में भी करीब करीब 2100 करोड़ का बैंक लोन फिर हम इन लोगों को दिलाएंगे जिससे कि आप आत्मनिर्भर बन सके और आपके कुटीर उद्योग और जो आप बनाते हैं वस्तुएं वो उसकी मार्केटिंग अच्छे ढंग से हो सके। उसके लिए भी हमने एक मार्केटिंग ऐप मध्य प्रदेश स्तर पे हमने डेवलप किया है और उस ऐप के माध्यम से जो बड़ी बड़ी कंपनियां विदेशों की हैं जो रिटेल मार्केटिंग में आ रही है क्षेत्र में उन सबको आपसे जोड़कर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी कीमत पे आपको मिल सके, यही सपना माननीय मुख्यमंत्री जी का है और हम लोग उस पर कर रहे हैं काम। मेरे साथियों, अभी परसों जो कैबिनेट की मीटिंग थी उस कैबिनेट की मीटिंग में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने लिया है और उनके कैबिनेट ने लिया है। कांग्रेस के जमाने में ये जो हमारे टेक होम के जो प्लांट्स हैं जिसमें कि हमारे बच्चों को राशन की व्यवस्था की जाती है ये ठेकेदारों को दिए जाते थे, एमपी एग्रो के माध्यम से व्यापारी लोग उसमें घुस जाते थे और हमारे स्व सहायता समूह को उसमें से एक पैसा भी नहीं मिलता था। ये क्रांतिकारी निर्णय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया कि जो 7 संयंत्र मध्य प्रदेश में है ये 7ों संयंत्र अब ठेकेदार नहीं, एमपी एग्रो नहीं, बल्कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं चलाएंगी और उसका जो लाभांश उनको मिलेगा 95% लाभांश हमारे स्व सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा जिससे कि उनकी रोजगार बढ़ेगा, उनकी आर्थिक उन्नति और आर्थिक प्रगति हो सकेगी। इतना क्रांतिकारी निर्णय ये माननीय मुख्यमंत्री जी आपने लिया है उसकी तरफ से मैं शिवपुरी क्षेत्र की जनता की ओर से और समस्त हमारे स्व सहायता समूह की महिलाओं की मध्य प्रदेश की जो हमारा ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी तब कोविड का काल था, कमलनाथ जी की सरकार को तो यह भी नहीं मालूम था कि कोविड फैल गया है। शिवराज सिंह जी ने जिस दिन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली कोविड के लिए उन्होंने दिन रात एक किया और कोविड से जब हम लड़ाई लड़के जीते तो बाढ़ के एक संकट ने हमको फिर घेर लिया। मगर मुझे आज खुशी है इस बात के कहते हुए कि चाहे कोविड का कार्यकाल रहा हो चाहे बाढ़ प्रभावित का कार्यकाल रहा हो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे विकास के लिए, हमारे रुके हुए पैसे के लिए, हमारे क्षतिग्रस्त मकानों के लिए, हमारी क्षतिग्रस्त फसलों के लिए, सारे काम के लिए शिवपुरी जिले को उन्होंने पूरा अव्वल नंबर पे रखा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी अतिवृष्टि के समय जो सहयोग प्रदान किया उसका भी हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारी राजे साहब बैठी हुई है, दिन रात इन्होंने मेहनत करके और कोविड और अतिवृष्टि में हमारा साथ दिया, उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज इस गरमामय कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, ये विशाल पंडाल में हमारी स्व सहायता समूह की महिलाएं विराजी हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ आए तो आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, आपके दर्शन लाभ लेने के लिए आए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी।